कि अमृत मिशन जो योजना है इसके तहत जो कार्य हुआ है उसमें जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, इसके साक्षात गवाह हमारी स्वार्थ के पार्षद। मैंने अपने ऊपर खुद बात लेके देखी, मुझे ही अगर आप बोलोगे कि तू 500 घर में बांट, 1500 घर में नहीं बांट, तो सवाल ही पता नहीं मैं ऐसा क्यों करूंगा, ये जो देना होगा तो मैं सब घर में दूंगा। शहर में जल संकट के मुद्दे को लेकर निगम के भाजपा पार्षद दल ने सोमवार को महापौर एजाज ढेबर को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने शहर में जल समस्या के निराकरण के लिए पर्याप्त मात्रा में टैंकर उपलब्ध कराने को लेकर हिदायत दिया। वहीं भाजपा पार्षद दल ने बारी बारी से सभी वार्डों में होने वाली समस्याओं को लेकर महापौर को जानकारी दी। शहर की जनता की समस्याओं को लेकर आज हमने माननीय महापौर महोदय जी से मुलाकात की है। भीषण गर्मी अभी प्रारंभ नहीं हुई है, उसके बावजूद शहर के अनेक वार्डों में जल संकट की समस्या है, वो उत्पन्न हो रही है। पार्षद अभी से बहुत हताश और परेशान है, जबकि अभी वास्तविक जो गर्मी है वो आने वाली है। हम माननीय महापौर महोदय जी से पूछने गए थे कि जल संकट से निपटने के लिए नगर निगम की क्या तैयारी है। माननीय महापौर महोदय जी का दावा था कि लगभग 42 वार्डों में अमृत मिशन का काम हुआ है वो संपूर्ण हो चुका है, क्योंकि उनको करोड़ों का भुगतान हो चुका है। मगर वास्तविकता कुछ और है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि अमृत मिशन जो योजना है इसके तहत जो कार्य हुआ है उसमें जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके साक्षात गवाह हमारी स्वार्थ के पार्षद हैं। मगर अधिकारी अलग दावा करते हैं कि अमृत मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछाई गई है उसमें पानी सुचारू रूप से आ रहा है। माननीय महापौर महोदय जी से हमने कहा कि आप वास्तविकता को जानिए, आप 1 to 1 तो 42 वार्ड में जहाँ अमृत मिशन का काम हुआ है वहाँ के पार्षदों से बात करिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। दूसरी बात हमारी थी कि पिछली गर्मी में नगर निगम है वो टैंकरों के द्वारा भी पानी की आपूर्ति करने में विफल रहा था। हमने माननीय महापौर महोदय जी से कहा है कि हम आपको पहले से आगाह कर रहे हैं कि गर्मी में वार्डों में टैंकर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से घर बन रहे हैं नगर निगम के द्वारा जो नक्शा पास हो रहा है उससे साबित होता है कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, आने वाले समय में जल संकट उत्पन्न होगा, तो इससे निपटने के लिए जो टैंकर की व्यवस्था है उसको आप सुचारू रूप से अभी से प्रारंभ कर दीजिए, ताकि गर्मी में जो हम नगर निगम का जो मूल काम है शहर की जनता को पेयजल उपलब्ध कराना उसकी आपूर्ति हम करा पाए। दूसरा जो हमारा मुख्य विषय था कि जो लगभग 75 लाख रुपये स्वीकृत है डस्टबिन खरीदी के लिए, आज जो डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन के जा रहे हैं वो जनता से गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए लगभग 50 लाख रुपए की डस्टबिन की खरीदी हो चुकी है। वो डस्टबिन कहाँ पड़ा है, वो कहाँ है ये हमको बताएं, महापौर जी को इसकी जानकारी नहीं थी और जो अधिकारी बैठे थे उनका कहना था कि डस्टबिन भर चुका है, जबकि किसी भी वार्ड में और तो और माननीय महापौर जी के भी वार्ड में और न ही मेरे वार्ड में तो डस्टबिन का वितरण नहीं हुआ। इससे आप बाकी पार्षदों का भी हाल समझ सकते हैं, महापौर महोदय जी को जानकारी ही नहीं थी 50 लाख रुपए डस्टबिन के क्रय के लिए भुगतान हो चुका है। उनका कहना था ये पूरे में खरीदी, हमने पूरे तथ्यात्मक तरीके से माननीय महापौर महोदय जी को कागज पे प्रस्तुत किया, 50 लाख रुपए है वो डस्टबिन खरीदी के लिए किसी एक एजेंसी को भुगतान हो चुका है, और वो डस्टबिन कहाँ है कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। माननीय महापौर महोदय जी ने हमको आश्वस्त किया है कि वे कल तक इस विषय का पता करके हमको आंसर करेंगे। देखिए इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं कि पानी की समस्या कुछ वार्डों में है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे वार्ड में जहां पर पहले यही रायपुर शहर है जहां पर 3-3 करोड़ रुपए के पानी के टैंकरों के टेंडर हुआ करते थे, आज हम अपने खुद के टैंकर जो है हमारे 60-70 वो टैंकर चल रहे हैं, मुश्किल से हमने 10 या 12 टैंकर बाहर से हम लेके किराए से हम चला रहे हैं। अमृत के काम आज भाजपा पार्षद दल द्वारा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मीनल चौबे जी के द्वारा अमृत के काम को लेकर कुछ पार्षदों के यहाँ ये जरूर बताया गया कि वहाँ पर पानी की समस्या है, पानी की समस्या कुछ वार्डों में भी उन्होंने लिखित में भी कुछ वो किया है। तो कल हमने एक इसके लिए पूरे 42 पार्षद जहाँ पर अमृत मिशन का काम हुआ है, क्योंकि रायपुर में भीषण गर्मी पड़ रही है, जो बोर है वो पूरी तरीके से सूख चुके हैं, तो अब जो काम है वो सब अमृत पे चल रहा है, हमारी टंकियों से चल रहा है,
कल हमने जहां पर हमारे 42 पार्षद जो अधिकारी हैं, जो हमारा जल का काम देखते हैं, वाटर का, ये सब के साथ हम बैठेंगे और उसके बाद फिर जो भी बातें सामने आएगी कि कौन सही बोल रहा है। क्योंकि अगर मुझे लगता है कि अगर पानी की समस्या अगर किसी वार्ड में है, तो जब हम सब अधिकारी लोग को बैठेंगे, पूरे जोन कमिश्नर लोग बैठेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें सामने आएगी। अभी तक के मैंने जितनी भी मीटिंग ली है, क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि आचार संहिता चल रही है और उस आचार संहिता में एकदम भरपूर पानी के समय ये आचार संहिता चल रही है, तो बहुत कुछ जगह हम लोग भी मजबूर है कि हम डायरेक्ट मीटिंग नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट कहीं बैठक नहीं कर सकते, हम किसी अधिकारी कर्मचारी को नहीं बुला सकते। मगर मैंने आदरणीय कलेक्टर महोदय को, आदरणीय चुनाव आयोग को सबसे मैंने एक लेटर देके, वो लेटर भी मेरे पास में, लेटर देके मैंने पानी की समस्या को बैठक को लेकर, MIC की बैठक को लेकर और अधिकारियों की डायरेक्ट लगातार मॉनिटरिंग को लेकर मैंने उनसे चिट्ठी लिखी कि मुझे उसके लिए परमिशन दिया जाए। और इसमें क्योंकि नगर निगम एक ऐसी संस्था है जिसमें आदमी के जन्म से लेकर मरण तक के काम होता है, मृत्यु तक के काम होता है, तो इसके लिए हमें इसके परमिशन दी जाए। तो मैंने कलेक्टर महोदय को और चुनाव आयुक्त को मैंने ये बात को लिखा है, तो मुझे लगता है कि उसमें शायद हो सकता है हम लोगों को परमिशन मिल जाए, क्योंकि कल हमने तो बैठक बुला ली है क्योंकि पानी की समस्या है। आयुक्त महोदय भी कल बैठेंगे, जल से संबंधित लोग भी बैठेंगे और पार्षद लोग, जनप्रतिनिधि भी बैठेंगे, तो बहुत कुछ बात निकल के कल सामने में आ जाएगी। देखिए डस्टबिन का ऐसा मैटर है कि डस्टबिन जो खरीदे गए हैं वो मात्र 2,500 डस्टबिन बटने हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम 2,500 अगर 1,500 बांटना, तो मैं खुद अपने वार्ड में ना बांट, भाई मुझे देना होगा तो मैं पूरे वार्ड में दूंगा। ऐसा तो नहीं मैं एक किसी चार घर में देके या 2,000 घर में देके फिर मैं 17,000 लोगों को ना दूं, वो भी ठीक नहीं है। तो उसको लेकर जब पिछले बार मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई थी, तो मैंने उसमें एक बात को जरूर कही थी कि डस्टबिन अगर हम खरीदते हैं पूरे रायपुर शहर के लिए हमको खरीदना चाहिए। 2,40,000 घर जो हमारे पास आइडेंटिफाई है, उस पूरे 2,40,000 घरों के लिए हमें वो है कि डस्टबिन खरीदना चाहिए। आचार संहिता लग गई, मगर कल भी इस विषय पे जरूर चर्चा और भी होगी कि और भी डस्टबिन हमको खरीदना चाहिए। अभी यह है कि लोग बोल रहे हैं कि 1,500-2,000 बांट दो, जो पॉसिबल नहीं है। हवाला जरूर दिया गया, वो 30/5 को उनको वो हुआ है। मैंने पहले कहा कि वो ले लिया गया है और लेने टेंडर खरीद लिया गया, मगर अब बात यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो ये बोल रहे हैं कि 2,000 बांट दो, वो बोल रहे हैं 500 बांट दो, तो वो पॉसिबल नहीं है 500 और 1,000 बांट। उसके लिए आपको पूरे शहर के लिए आपको जब डस्टबिन खरीदेंगे तब जाके कहीं पूर्ति कर पाएंगे। मैंने अपने ऊपर खुद बात लेके देखी, मुझे ही अगर आप बोलोगे कि तू 500 घर में बांट, 1,500 घर में नहीं बांट, तो सवाल ही पता नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा। मुझे देना होगा तो मैं सब घर में दूंगा, भाई एक घर में थोड़ी दूंगा, मुझे देना होगा तो मैं सब घर में दूंगा। तो यही बात को मैंने उनको भी कल बोला है और मैंने पहले ही कहा कि जब पिछले बार मेयर इन काउंसिल की बैठक हुई थी तो मैंने ये बात को जरूर बोला था कि भैया ये आपको सभी पूरे 2,50,000 घरों के लिए आपको 10 दिन खरीदना चाहिए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस